ने एकाद देश छोड़ दे, दुनिया में हमारा देश का सैनिक शौर्य और वीरता के कारण हमेशा इतिहास बनाने का, चाहे वो 1971 का हो, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या 65 का। और इस बार भी पुलवामा घटना के बाद जो देश की हमारी जनता का आक्रोश था और हमारी देश की जनता को अपने वीर सैनिकों पर भरोसा और देश में एक ऐसा मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी और मजबूत इच्छा शक्ति जिन्होंने सेना को खुली छूट दी, हम अपने वीर सेना जवानों को नमन करते हैं, सलूट करते हैं, जिन्होंने 12 दिन में 40 का बदला 400 लेकर हमारे जो शहीद परिवार की 13वीं ने उसकी आत्मा को शांति देने का काम। और इस तरह हम कह सकते हैं कि शौर्य और वीरता कल की घटना एक और कहानी, एक और इतिहास हमारे भारत के सैनिकों ने विशेषकर 1971 के बाद भारतीय वायुसेना ने अपनी करिश्मा कल दिखाई। और हमें लगता है कि अब पाकिस्तान को सुधरना चाहिए। सर, यहाँ भी सेना का एक बहुत बड़ा कोर है, माउंटेन कोर, हर जगह अलर्ट किया गया, क्या आपके पास भी ऐसी कोई सूचना है? भारतीय सेना हमेशा अलर्ट बने, और जब ऐसी घटना घटी आप देख रहे हैं लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आज भी गृह मंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, सारा हमारा जवान हमेशा 24 घंटा माँ भारती के रक्षा के लिए बॉर्डर में जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। और मैं जो पायलट जो 12 हमारे प्लेन में है उन कैप्टन को भी बहुत बहुत बधाई झारखंड की जनता देश की जनता तरफ से कि जान की जोखिम लगा। देखिए हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, हर राजनीतिक दल को किसी भी देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है। अब कांग्रेस के शहजादे रांची जाए, जम्मू जाए, कश्मीर जाए, दिल्ली जाए, जाना चाहिए। ये डूबता हुआ कांग्रेस, आईसीयू में कांग्रेस ये कितना ऑक्सीजन दे पाते हैं अभी देखेंगे। लेकिन वो झारखंड आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि झारखंड में जो एक आईसीयू में कांग्रेस को कितना जान डालते हैं। धन्यवाद करके दुनिया के देश दुनिया को बता दिया कि भारत के सैनिकों में चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, कितना दम कम है। मैं बार बार कहता हूँ झारखंड वीरों की भूमि है। आप मेरे भाषण को अगर आप देखते हो मैं हर जगह कहता हूँ झारखंड वीरों की भूमि, हो चाहे हमारे जितने भी शहीद, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी आंदोलन में नहीं कूदे उसके पहले से ये जो झारखंड के हमारे गरीब आदिवासी पुरुषों ने, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, तिलका मांझी हो, बोलो जानो हो, चांद भैरव हो, पंडित गणपत राय हो, शेख भिखारी हो, ये धरती ही वीरों की है। झारखंड की धरती से वीर पैदा, और एक वीर आज झारखंड के से ही आज वायुसेना के इतने बड़े कमांडर के नेतृत्व में घटना हुई तो झारखंड के लिए और गौरव का विषय है कि झारखंड की भूमि हमेशा ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर माँ भारती की रक्षा में आज भी लगे हुए हैं, आगे भी लगे हुए हैं।